हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। आज का हमारा ये वीडियो आधारित है प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ विड्रॉवल के ऊपर, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। ये वीडियो ध्यान से देखें, स्कीप ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके ऑनलाइन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हमें इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपका यूएएन और पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसके तरफ से आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है। इसके बाद आपको चेक करना है केवाईसी डिटेल, जिसमें आपको देखना है कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपका आधार और आपका पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस माध्यम से अपना डिटेल अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये बैंक डिटेल अपडेट कर रहा हूँ, आप अपने डिटेल्स को फिल करेंगे, वेरीफाई करके सेव करेंगे, ये आपका डिटेल अपडेट हो जाएगा। फिर अब विड्रॉवल की तरफ बढ़ते हैं। आपको ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म पे जाना है। आपको यहाँ दो फॉर्म भरना पड़ता है, तो बारी बारी से दोनों फॉर्म के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला फॉर्म होता है, उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेंगे अपना अकाउंट नंबर डाल के। इसके बाद आप इसे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पहला ऑप्शन जो होगा फॉर्म 19। ये है आपका केवल पीएफ का विड्रॉवल। आपको ये फॉर्म 15G जो है इसे आप इग्नोर करें और आगे बढ़ते हुए अपना जो एड्रेस है उसे फिल करें। फिर यहाँ पे आपको अपना चेकबुक या फिर पासबुक, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको अटैच करना है, दोनों का कोई भी एक पिक्चर। ये ध्यान रखें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, नेम और आईएफएससी कोड ये क्लियर हो। उसके बाद आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, टिक करें और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करें। आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे आपका ओटीपी आएगा और उसे वैलिडेट करें। जैसे ही आप इसे वैलिडेट करके आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। आप चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये जो रिक्वेस्ट ऐप से डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये था फॉर्म 19। अब हमें पीएफ का दूसरा जो पार्ट होता है, जो एम्प्लॉयर का पेंशन अमाउंट होता है आपका, उस पेंशन अमाउंट को भी विड्रॉ करने का। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन सर्विस में दोबारा से जाएंगे और इस बार हम सबमिट करेंगे फॉर्म। इससे पहले हमने फॉर्म 19 और 31 ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो यहां पे आपको सेलेक्ट करना है आपका पेंशन अमाउंट के लिए वनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C 10T। एड्रेस फिल करेंगे, अगेन आपका अपना पासबुक या फिर चेकबुक को अपलोड करेंगे, जो विजिबल होना चाहिए सही तरीके से, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो सकता है। तो व्यू में आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप टिक करेंगे टर्म कंडीशंस को, उसके बाद आप ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आधार के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें आपका ओटीपी आएगा, आप इस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करें और वैलिडेट ओटीपी करके सबमिट करें। जैसे ही ये सबमिट होगा, आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिकॉर्ड हो चुका है। आप अपना रिक्वेस्ट का जो कॉपी है आप यहां पर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसमें क्या अपडेट हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप यहां से अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे सेम पोर्टल से। तो उसे कैसे चेक करना है, चलिए हम इसके बारे में भी जानते हैं। आपको अपने इस प्रोफाइल में ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर जाना है और यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रैक क्लेम स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे।
आप यहाँ पे देख पाएंगे आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो आपका स्टेटस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।